नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। हम ले चलते आपको आज की ताजा खबरों की ओर। दशा माता मंदिर में पूजा करने गई महिलाओं के गले से सात्र महिलाओं ने उड़ाई मंगलसूत्र। पीड़ित महिलाओं ने कही महिला गैंग द्वारा चोरी करने की बात। बंडा में फ्रूट और कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान पर बेची जा रही थी एक्सपायरी सामग्री। खाद्य विभाग ने दुकान पर की छापामार कार्रवाई। बंडा ब्लॉक के पंचम नगर में नहर के कार के दौरान एक मजदूर के सिर पर गिरा पत्थर, मजदूर की हुई मौत। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में दशा माता की पूजा कर रही महिलाओं के गले से सातिर महिलाओं ने मंगलसूत्र की ही गायब कर दिए। पीड़ित महिला का कहना है कि चोरी करने वाली महिलाएं हैं जो दशा माता की पूजा करने के बहाने मंदिर में आई थी। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में सातिर महिलाओं ने दशा माता की पूजा कर रही महिला भक्तों के गले से मंगलसूत्र पार कर दिए। बताया जा रहा है कि बाड़ेश्वरी कुंड पर उसी क्षेत्र की महिलाएं घर की सुख समृद्धि के लिए दशा माता की पूजा करने गई थी। इसी दौरान वहां पर सातिर महिलाएं चोर भी वहां पहुंच गई। महिला चोरों ने मौके का फायदा उठाते हुए दशा माता की पूजा कर रही महिलाओं के मंगलसूत्र गायब कर दिए। सातिर महिलाओं ने 5 से 6 महिलाओं के मंगलसूत्र गायब किए हैं। पूजन समाप्त होने के बाद महिलाओं को चोरी के बारे में पता चला। बताया जा रहा है कि चोरी गए मंगलसूत्र की कीमत 50,000 से लेकर 2,00,000 रुपए तक की है। इंदौर में यह पहला मामला है जब पूजा करते समय इतनी महिलाओं के गले से एक साथ मंगलसूत्र गायब हो गए। फिलहाल यह पुलिस ने शिकायत के आधार पर महिला चोरों की तलाश में जुट गई है। मंदिर है वो, चारों तरफ मंदिर में बाउंड्री है, यहाँ महिलाएं पूजा पाठ करने आती हैं। इसी दौरान कुछ बदमाश औरतें उनकी लाइन में शामिल हो गई थी और उन्होंने दुपट्टे की आड़ में इनके जो मंगलसूत्र, खुले हुए मंगलसूत्र रहते हैं, वो चोरी कर लिया। और महिलाएं जब पूजा करने के बाद फ्री हुई तब उनको पता चला कि उनका मंगलसूत्र चोरी चला गया है और उन महिलाओं की रिपोर्ट पर अपराध दर्ज करके और उन महिला चोरों की तलाश की जा रही है। और साड़ी का पल्लू है थे, तो पीछे से तोड़ लिया मंगलसूत्र। हम तो वो कथा सुनने के लिए बैठे तो देखा तो मंगलसूत्र लाल कलर का सूट पहना था। कितनी महिलाएं थी ऐसी? 2 दुपट्टे आ रहे थे आसपास और एक पीछे खड़ी थी। कितनी महिलाओं के साथ तो एक इस तरह की घटना हुई? कितनी महिलाओं के मंगलसूत्र ले गई थी महिला? कम से कम 4-5 के हुए पोल पे से। अच्छा, और भी कई इस तरह की घटना सामने आसपास कई कॉलोनी? नहीं, यही कुंड पे आई और सुना थे तो वहाँ कुछ लेडी से पीछे से पल्ला निकाल रही थी तो हमने सोचा कि कुछ ऐसे ही फिसल रहा होगा, तो फिर पूजा के बाद बस नीचे उतरे और देखा तो मंगलसूत्र ही नहीं था हमारा। कितनी महिलाओं के साथ इस तरह की चोरी? 4-5 महिलाओं के साथ वहाँ पे हुई है और आगे भी हुई है 2-3 महिलाओं के साथ शिव मंदिर शांतिदेव के। कौन? 2 मिनट बोलो ना, कौन महिलाएं थी? किस ध्यान है आपको कि किस तरह से? तो कुछ ध्यान नहीं है, बट एक सूट पहनी हुई महिला थी एक, बाकी तो उनका ग्रुप है पूरा, पर पता नहीं अब। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। गर्मी का सीजन आते ही बंडा में फ्रूट और कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान पर एक्सपायरी सामग्री बेचने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसे देखते हुए खाद्य विभाग ने कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, फ्रूट की दुकान पर छापामार कार्रवाई की। नगर के मुख्य मार्ग पर कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम की दुकान चलाने वाले प्रेम चौरसिया की दुकान से खाद्य विभाग ने खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए। कुछ दिन पहले इसी दुकान पर एक यात्री आइसक्रीम लेने पहुंचा था, जिसे दुकानदार ने एक्सपायरी आइसक्रीम थमा दी थी। उस युवक ने जब दूसरी आइसक्रीम मांगी तो दुकानदार ने उसके साथ गाली गलौज की थी। उस यात्री ने पुलिस थाने पहुंचकर दुकानदार प्रेम चौरसिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए यहाँ से सैंपल लिए और जाँच की। झूठी शिकायत की थी उनने, दुर्भावना वैसे में झूठी शिकायत की थी। हमारे यहाँ कोई नहीं कुछ पाया गया, सब सही निकला है। वो ले तो गए हैं? ले गए से ले जा, कोई दिक्कत नहीं, सब मतलब उसके पेपर है सब है, कोई एक्सपायरी माल नहीं मिला हमारे पास। पूरा मामला खराब आइसक्रीम से संबंधित बताया जा रहा है। तो अपन ने जिस ब्रांड को खराब बताया जा रहा था, जो आइसक्रीम शिकायतकर्ता लेके गए थे, उसका हमने नमूना ले लिया है। नमूना जाँच के लिए भेजा जाएगा,
जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई। करीबन कितने दिन बाद रिपोर्ट आ जाएगी? रिपोर्ट यहाँ से बाई पोस्ट पार्सल से जाएगा, वहाँ पहुँचने के बाद जब वो वहाँ पहुँच जाएगा ऑफिस में तो उससे 14 दिन का नियम रहता है, 14 दिन के अंदर वो रिपोर्ट फिर भेजेंगे, फिर डाक से वहाँ से रिपोर्ट आएगी। अगर सर ये दोषी पाए जाते हैं फिर क्या कार्रवाई होगी? दोषी जिस हिसाब से जिस हिसाब का रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार जो धाराएं होंगी उनके अनुसार प्रकरण दर्ज किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। बंडा ब्लॉक के पंचम नगर में पगरा बांध पर नहर का कार्य चल रहा है। नहर का कार्य करते समय एक मजदूर के ऊपर से पत्थर गिरने से मौत हो गई। SDOP उमराव सिंह ने बताया कि घटना शनिवार रात करीब 7 बजे की है। बंडा में मेंटना कंपनी द्वारा पंचम नगर बांध पर कार्य चल रहा है। यहां काम कर रहे झारखंड के रहने वाले मजदूर विनोद पिता इलियास बैगरा के सिर पर अचानक पत्थर गिर गया जिससे उनकी मौत हो गई। दुर्घटना के बाद ठेकेदार इस घटना को छिपाते रहे। मृतक की मौत कैसे हुई कंपनी के मैनेजर जानकारी बताने से बचते रहे। हालांकि बाद में पता चल गया कि उसकी मौत सिर पर पत्थर गिरने से हुई है। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कर सब कंपनी के सौंप दिया। मामला यह है कि वह सिंचाई विभाग की वह सुरंग बन रही है तो करीब 14 मजदूर काम कर रही थी तो एकदम वहाँ से पत्थर गिर गया तो एक मजदूर उसमें ख़त्म हो गया है और 3 कुल हुई थी घायल और बाकी लोग कोई चोट नहीं आई थी तो एक खत्म हो गया है तो उसके बाद फिर पंचनामा कार्रवाई हो जाएगी तो यहाँ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। रुदौली कोतवाली क्षेत्र के ग्राम अहिरनपुरवा में एक विवाहित महिला का शव घर के कमरे में मिला। पुलिस हत्या या आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी है। रुदौली के कोतवाली क्षेत्र के अहिरनपुरवा गांव में रहने वाले श्याम की पत्नी गीता देवी उर्फ नीलम का शव घर के कमरे में मिला। परिजनों ने बताया कि वह सब सुबह काम के सिलसिले में घर से निकल गए थे। शाम को जब सब घर पहुंचे तो काफ़ी देर तक गीता ने दरवाज़ा नहीं खोला। परिजनों ने खिड़की से देखा तो वह जमीन पर पड़ी थी। दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे तो वह मृतक अवस्था में मिली। परिजनों ने घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है, पुलिस इसे सुलझाने का प्रयास कर रही है। ग्रामीणों की माने तो यह घटना की वजह पति पत्नी के बीच आए दिन होने वाला लड़ाई झगड़ा है। वहीं विवाहिता के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। रुदौली से शिवशंकर वर्मा की रिपोर्ट। स्कूल स्तर पर नेवाड़ में पहली बार लगने वाली इसरो अहमदाबाद की आंतरिक प्रदर्शनी 1 और 2 अप्रैल को अभ्युदय प्रद्याथली में आयोजित की जाएगी। इसी को लेकर खरगोन शहर के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता की गई। इस मौके पर संस्था के डायरेक्टर संजय पाटीदार, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के आंतरिक वैज्ञानिक रवि कुमार वर्मा मौजूद थे। वार्ता में बताया कि अभ्युदय विद्यास्थली के 3 विद्यार्थियों के प्रोजेक्टों को शामिल किया गया है जिसमें विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। आंतरिक वैज्ञानिक रवि कुमार वर्मा ने बताया कि अभ्युदय विद्यास्थली पर 1 और 2 अप्रैल को यह प्रदर्शनी निःशुल्क रहेगी। इसरो का अभ्युदय स्कूल खरगोन में स्पेस साइंस और एग्जीबिशन लगाने का मेन पर्पज है लोगों को अंतरिक्ष विज्ञान और नई प्रौद्योगिकी जो कि इंडिया मतलब भारतीय अंतरिक्ष की जो नई प्रौद्योगिकी और जो विज्ञान में हमने अपनी उपलब्धियां अचीव करी है या जो हमें मिली है उन सबको बताने का। सेम टाइम भविष्य में इसरो या भारतीय अंतरिक्ष संगठन जो एक्टिविटी करने जा रहा है वो नई जनरेशन को बताने का ताकि जो जिज्ञासा नई जनरेशन के बच्चों में आ रही है वो हम फुलफिल कर पाए बता पाए और सेम टाइम इसरो के थ्रू जो रूरल और ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर भी हम विज्ञान अंतरिक्ष विज्ञान और साइंस को कल्टीवेट कर पाए बता पाए समझा पाए। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं सभी बच्चे शिक्षक अधिकारीगण एवं सारे जनमानस इंक्लूडिंग पालक सारे सभी के सभी 1 और 2 तारीख को 9 से लेकर 5 बजे तक अभ्युदय स्कूल खरगोन में आए और फिजिकली और प्रैक्टिकली सारे इसरो के रॉकेट सैटेलाइट मॉडल आके देखे। खरगोन से सलाम अंसारी की रिपोर्ट। अभी की खबरों में बस इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।